एनर्जी स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू एन इज इक्वल टू वन हैज लोएस्ट एनर्जी इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन के केस में एनर्जी एन इज इक्वल टू वन जब केस लेंगे तो एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 बाई वन स्क्वायर फर्स्ट शेल में, तो मिनिमम एनर्जी होगी। तो मिनिमम एनर्जी को क्या बोलते हैं, ग्राउंड या नॉर्मल स्टेट ऑफ एटम, ये टर्म याद रखनी है, ग्राउंड स्टेट -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती है कि आपने एक्साइट करवा दिया इलेक्ट्रॉन, तो मान लो क्वेश्चन में आएगा फर्स्ट एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब वन से लेके कहां पर जा रहा है, टू पे, तो एनर्जी टू नंबर शेल में इतनी, वन नंबर शेल में इतनी, इनका डिफरेंस जब लेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेशन में एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन। तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ना वो सीधा शॉर्टकट लिखता है फर्स्ट एक्साइटेशन में एनर्जी का डिफरेंस इज 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लोग सोचते हैं 10.2 कहां से आ गया, समझ में आ रहा है, माइनस करके आ रहा है। सेकंड एक्साइटेशन स्टेट का मतलब 3 और 1 की ट्रांजिशन है, तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एक्साइटेशन स्टेट क्लियर है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी शेल से उठा के इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी पे फेंकना, तो इन्फिनिटी पे फेंकने का मतलब कि फाइनल इन्फिनिटी और इनिशियल 1, तो 1 से लेके इन्फिनिटी, एक्साइट करवा दिया एन इज इक्वल टू 1 शेल से, इन्फिनिटी में एनर्जी क्या होती है 0 और 1 पे क्या होती है -13.6, तो ये एक्साइट जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 में इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 1 शेल से कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा। और लास्ट है एक्साइटेशन पोटेंशियल, ये कुछ नहीं है, वापस आ जाओ यहां पे एक्साइटेशन एनर्जी पे। एक बात बताओ, अगर आप इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट एक्साइट करवाना चाहते हो तो 2 और 1 की ट्रांजिशन करोगे तो कितनी एनर्जी दोगे, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक काम करो, इलेक्ट्रॉन को यहां से हटा लो तो क्या बचा, वोल्ट, तो 10.2 वोल्ट देने पड़ेंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन 2 और 1 से 2 पे चला जाए, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल में कुछ नहीं करना, ई को हटा दो, बचा क्या, पोटेंशियल। तो सेकेंड एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होगा, 12.09 वोल्ट, बस वोल्ट होगा तो एक्साइटेशन पोटेंशियल, और अगर ई लगाना है तो एक्साइटेशन एनर्जी, बस ये डिफरेंस है। तो यहां तक ये पॉइंट क्लियर है, यहां तक ठीक है। और आयनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या था, बता दिया मैंने, जीरो से लेके, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन हटा दो तो 13.6 वोल्ट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल।